पहले वहाँ पर जब हम गए तो लड़की से मुलाकात हुई, वो लोग लड़की को हमसे मिलाए और मिठाई खरीदा, बोले मंदिर पे जाके चढ़ा दो। तो जब हम मंदिर पे चढ़ाने गए तो लड़की हमारे साथ गई, और लड़की जब हमारे साथ गई तो हम भी मंदिर पे प्रसाद चढ़ाए, वो भी प्रसाद चढ़ाई। फिर बाद में ये बातचीत हुआ कि शादी मतलब किया जाए, पसंद है लड़की, तो हमने कहा हाँ लड़की पसंद है, लूली लंगड़ी ना हो, मतलब ठीक ठाक हो, काम काजी हो, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर लड़की को मंजूर है तो हमें शादी मंजूर है। तो फिर उन लोगों ने हमसे पहले कहा कि हाँ शादी हमें मंजूर है। तीन चार दिन से तो वो खुद ही यहाँ पे रखवाली कर रही थी, उसकी भाभी जो बन के आई थी, वो मतलब कि बेड से बेड नहीं छोड़ती थी, घर से बाहर निकलती नहीं थी। और फिर मैं अपने यहाँ कार्यभार में व्यस्त था, मैं भी उतना गौर नहीं दे पाता था, शायद मेरे भी समझ में इतनी समझदारी नहीं थी, और इस वजह से मैं भी कुछ समझ नहीं पाया। ये खरगुपुर थाना क्षेत्र में बेदौरा गांव को एक ब्रजभूषण पांडे ने तहरीर दी कि 17 तारीख को खरगुपुर के महा पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर में उनकी शादी हुई थी। जोखू नाम के एक व्यक्ति ने उनकी शादी कराई थी। 17 को शादी हुई थी, 22 को वह दुल्हन सब लोगों के खाने में जहरीला पदार्थ मिला के बेहोश कर दी और घर का सारा सामान लेके फरार हो गए।